इन दिनों सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। टमाटर के अलावा प्याज, आलू, तुरई, भिंडी, धनिया जैसी कई सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। सब्जी के बढ़े दामों और इनको लेकर हो रही परेशानियों को लेकर पंजाब केसरी के रिपोर्टर ने गाजियाबाद की सब्जी मंडी के व्यापारियों और लोगों से बात की। ब्रिजेश कुमार, टमाटर के दाम एकदम बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? एक तो नासिक में जहाँ से टमाटर आ रहा है वहाँ महंगाई है दुनिया भर की, वहाँ से ही महंगा चल रहा है। और ये ट्रांसपोर्ट जो चल रही है, तेल महंगे हैं, इस वजह से गाड़ी के भाड़े बहुत महंगे हैं, इस वजह से सौदे महंगे हो रहे हैं। मंडी पे कितना असर पड़ रहा है इस महंगाई की वजह से? मंडी पे सारा असर पड़ रहा, एक तो माल कम आ रहा, भर्ती कम आ रही है सौदे की, और जब हमें पड़ता नहीं आएगा तो महंगा बिकेगा ही बिकेगा। वहीं गाजियाबाद सब्जी मंडी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीपाल यादव बताते हैं कि महज 15 दिन पहले प्याज और टमाटर 20 रुपए किलो थे, तो वहीं तोरई और अन्य सब्जी का भी तकरीबन यही रेट था, लेकिन अब प्याज 50 और टमाटर 60 रुपए किलो पहुंच गया है। 15 दिन से सब्जी एकदम डबल रेटों में बन गई है सारी सब्जी। एक तो सब्जी पर मौसम की मार है, दूसरा थोड़ा ट्रांसपोर्टर भी जो महंगाई का तेल पेट्रोल पे बनता जा रहा है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टर भी पैसे फालतू ले रहे हैं इस टाइम किराए के। दूसरा मौसम की ज़्यादा मार है, मौसम की मार के साथ में जैसे एक दो आइटम है, जैसे कि प्याज पहले 20 रुपए किलो की थी, आज 50 रुपए किलो है। टमाटर 20-30 रुपए किलो का था, 60 रुपए किलो का है। इस तरीके से सारी सब्जी जो तोरी है 20 रुपए किलो की थी, आज 40 रुपए किलो। करेला 20 रुपए किलो था, वो भी 40 रुपए किलो। गोभी जो 30 रुपए किलो थी, वो 50 रुपए किलो है। इस तरीके से सारी सब्जियों पर महंगाई बनी हुई है। टमाटर की महंगाई तो ये है कि टमाटर सिर्फ दो जगह का चल रहा है फिलहाल, हिमाचल से चल रहा है, वो पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए अभी एक महीना तक टमाटर महंगाई बनी रहेगी। दूसरा प्याज की जो महंगाई है, ये अलवर राजस्थान की प्याज खराब हो गई है, साउथ में दो तीन जगह फसल खराब हो गई है, तो उसका फायदा महाराष्ट्र नासिक वाले उठा रहे हैं। वो प्याज का जो स्टॉक है उसको दबाए बैठे हैं और कम निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार की महंगाई, ये बाजार में महंगाई बनी हुई है। सर, टमाटर जो घर तक लोगों के पहुंच रहा है वो 80 और 70 तक पहुंच रहा है। वहीं सब्जी के बढ़े दामों पर लोगों का कहना है कि लगातार सब्जियों पर महंगाई होने की वजह से लोगों के किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों की खरीदारी पर इसका असर हुआ है। अब लोग जरूरत के अनुसार या उससे कम ही सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं और लोगों की परेशानी भी सब्जियों के बढ़े दामों से बढ़ी है। हाँ जी सर, प्रीत अरोड़ा सर। बहुत डिफरेंस है सर, अभी तो ये कैप्सिकम भी 30 और 40 मिल जाती थी, अभी 100-120 के अराउंड मिल रही है। बाकी गोभी है, शिमला मिर्च है, सब ये बीट रूट है, सब कैरेट वगैरह सबका बहुत रेट हाई हो गया सर। अभी बहुत फर्क पड़ रहा है सर, मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है सब अभी। फिलहाल इसके पीछे मौसम की मार और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे को प्रमुख कारण माना जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।